Dear students, assalamu alaikum. My name is Mohammad Usman and I'm your math teacher. Today is 21st January 2021, day 9, part number 2. आपका day 9 का second video है ये, ठीक है बेटा? तो exercise 6 भी कर रहे थे हम और आपको मालूम है हमने अब question number 5 करना है, ठीक है? तो देखिए ध्यान से, ये क्या लिखा है 10 hours 40 minutes और ये है 2 hours 10 minutes, ठीक है बेटा? Plus indicate कर रहा है कि आपने इन दोनों time जो है उनको प्लस करना है, इन टाइम्स को आपने एड अप करना है और बताना है क्या आंसर आएगा। तो ये देखिए आज हम आवर्स और मिनट्स को अगेन सीखेंगे कि किस तरह से हम उनको ऐड भी करते हैं और सबट्रैक्ट भी करते हैं। तो पहले हम ऐड करना सीखते हैं बेटा। 0 + 0 0, 4 + 1 5, ओके बेटा, और ये 0 + 2 2 और ये 1 नीचे आ जाएगा। तो आंसर इज 12 आवर्स 50 मिनट्स, आंसर इज 12 आवर्स 50 मिनट्स, ओके। तो इसी तरह देखें हमारे पास 2 आवर्स 45 मिनट्स है और 3 आवर्स 30 मिनट्स है, तो भी आपने प्लस करना है। 5 + 0 5, 2 + 3 5 और 2 + 3 ये भी 5, तो आंसर इज 5 आवर्स 55 मिनट्स। देखिए बेटा ये सब कांसेप्चुअल है, ध्यान से सीखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 + 1 5, 2 + 8 10, 10 तो नहीं आएगा ना यहां पर, तो हम करते क्या है, अगर तो यहां पे इनको प्लस करने से आंसर जो है वो 5 से सॉरी 6 या 6 से बड़ा आता है तो उसको हम माइनस कर देते हैं उसमें से 6, तो 2 + 8 क्या होता है 10, तो 10 में से माइनस कर देते हैं हम 6 तो क्या आंसर आता है 4, ठीक है बेटा, ये याद रखनी आपके पास। तो अब ये जो 4 आया ये यहां लिख लें और जो ही हम इस तरह से माइनस करके यहां पे 4 लिखा करेंगे 1 आगे कैरी चला जाएगा, ठीक है? तो 9 + 1 10 जो लगा 1 कैरी और 1 + 1 2, तो आंसर इज 20 आवर्स 45 मिनट्स, 20 आवर्स 45 मिनट्स आंसर आएगा, ठीक है बेटा। अब देखिए इसका पार्ट नंबर डी क्या है, 3 आवर्स 15 मिनट्स में प्लस करना है 2 आवर्स 48 मिनट्स को। तो देखिए 5 + 8 13, 3 लगा 1 कैरी 4 5 6, मैंने कहा था ना 6 या 6 से बड़ा आ जाए तो क्या करना है कि जो भी आंसर आएगा उसको 6 में से माइनस कर देना है, 4 5 6, तो 6 में से माइनस कर देना 6 तो आंसर इज 0, तो यहां 0 आएगा और 1 कैरी चला जाएगा आगे, ठीक है। 3 4 5 और प्लस 1 6, तो 6 आवर्स 3 मिनट्स इज द आंसर। 30 नहीं है बेटा, 3 है ये, 30 होता है तो 3 0 30 होता है, 0 3 3 ही होता है, तो ये हम कहेंगे 6 आवर्स 3 मिनट्स इज द आंसर। अब आपने सीखना है टाइम को माइनस कैसे करते हैं, 8 आवर्स 53 मिनट्स में से माइनस करना है 3 आवर्स 25 मिनट्स को। तो देखिए कैसे माइनस करेंगे, बताइए 3 में से 5 माइनस हो सकते हैं भला? नो, तो 3 से कैरी लेगा, तो 5 जब इस पर कैरी देगा तो ये तो 4 रह जाएगा और यहां पे 13 बन जाएगा, 13 में से 5 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, 4 4 में से 2 जा सकते हैं, जी हां 4 में से 2 माइनस करें तो 2 आता है और 8 में से 3 माइनस करें तो 5, तो आंसर इज 5 आवर्स 28 मिनट्स। बहुत आसान था, लेकिन ये सब कांसेप्चुअल है, कांसेप्ट वाला है, ध्यान से सीखिएगा। अब आपने 17 आवर्स 55 मिनट्स में से 9 आवर्स 35 मिनट्स माइनस करने हैं, पार्ट नंबर जी है बेटा ये, ठीक है। 5 में से 5 माइनस करें तो 0, 5 में से 3 माइनस करें तो 2 आता है। अब ये देखिए 0 इसको कैरी, 7 में से 9 ही तो माइनस हो सकते हैं, तो ये से कैरी मांगेगा, तो 17 17 में से 9 गया तो 8, ओके। यहां पे 0 रह गया, 0 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो ये आंसर आ गया 8 आवर्स 20 मिनट्स, ओके बेटा। आपने सीखा कि किस तरह से हम आवर्स मिनट्स को आपस में ऐड करते हैं और इनको किस तरह से सबट्रैक्ट करते हैं। इसके टू पार्ट्स रह गए थे बेटा, वो आपने खुद करने हैं, आपने इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है घर में और बहुत ज्यादा इनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि जब आपके एग्जाम्स हो तो आप अपना रिजल्ट 100% हमें शो करवाएं, ठीक है बेटा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।